Hi friends, my name is Garshan Pal and I am making video for review video of Power of Stock. My three learning from Power of Stock. First, my first learning from Power of Stock, I am learning from inside candle video, inside candle strategy, जो कि सर ने अपने ऐप पे बताई है. मैंने उसको देखा है दोस्तों, और वो काफ़ी अच्छी वर्क भी करती है, बट समटाइम डज नॉट वर्क. यू ऑल्सो रिमेंबर बिकॉज स्ट्रेटजी इज नेवर 100% राइट, समटाइम इट मे गो रॉन्ग ऑल्सो. माई सेकेंड लर्निंग फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक ये है दोस्तों कि मैंने सर की वीडियो ही देखा था, और उसमें मैंने सीखा था, सर ने बताया था कि कभी भी आपको बड़ा प्रॉफिट बड़ा स्टॉप लॉस लेके नहीं होता है. बड़ा प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस होगा. माई थर्ड लर्निंग फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक ये है दोस्तों कि आपको हर दिन नई स्ट्रेटजी नहीं डेवलप करनी है, आपको किसी एक स्ट्रेटजी पर ही वर्क करना है 3 to 6 months, और उसके सारे इन आउट जो भी उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस उसको पता करना है, उसके ऊपर ट्रेड करना है, ताकि जिससे आपका कन्विक्शन उस स्ट्रेटजी पर डेवलप हो सके और आप उसमें अच्छी हाई एक्यूरेसी ट्रेड ले सकें. होता क्या, जनरली हम हर दिन नई स्ट्रेटजी के साथ वर्क करते हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि हमें किसी भी एक स्ट्रेटजी का पर्टिकुलर सारी इन आउट नहीं पता चलती है, और हम अक्सर लॉसेस ही करते रहते हैं. बट अगर आप किसी एक स्ट्रेटजी पर 1000 times उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सारी उसकी वीकनेस स्ट्रेंथ पता चल जाएंगी, जिससे कि आप उसमें आप अच्छी हाई कन्विक्शन ट्रेड ले सकते हैं. और जब भी आपका सेटअप ऐसा बनेगा उस पर कि जहाँ पर आपको हाई एक्यूरेसी ट्रेड मिल सकती है, जिससे कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं. थैंक यू दोस्तों, मेरी तरफ से माय थ्री लर्निंग फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक.